इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की लैंडिंग अब से कुछ ही देर में होने वाली है। पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है। मिशन चंद्रयान 3 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद निवासी किसान के बेटे का योगदान है। गांव से लेकर जिले भर के लोग आज इस किसान के बेटे पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बीटेक में अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का कार्यक्रम हुआ तो अब्दुल कलाम जी से उसे प्रेरणा मिली वैज्ञानिक बनने की। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि बेटे वो साइंटिस्ट वो इंजीनियर तो सब लोग बन जाते हैं, पर वैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं आप। तो उसे प्रेरणा अब्दुल कलाम जी से प्रेरणा मिली तो उसने सोच लिया मैं वैज्ञानिक ही बनूँगा। अरे हमको बहुत गर्व है उस पर, हमारे परिवार को पूरा गर्व है। और इतनी बड़ी पोस्ट पर हम किसान आदमी का बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए तो गर्व हो। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा बेटा आसमान में पहुंचेगा। हमने तो ये सोचा चलो कहीं पढ़ रहा है तो कोई इंजीनियर बन जाएगा तो परिवार की। चंद्रयान 3 की टीम के सदस्य धर्मेंद्र कुमार यादव जो कि फिरोजाबाद के टिकरी गांव के हैं और उन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 में अपनी पूरी भागीदारी दी है। इस समय उनका काम चंद्रयान 3 को सिग्नल्स पहुंचाने का है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद वो बेंगलोर से इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब जब बुधवार को ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला है तो धर्मेंद्र के परिजन और गांव के लोग खासे उत्साहित हैं। वो इसके सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। खूब अच्छा हो तो है वो, रोशन हो तो सुवर्ण खुशी ही है। क्या कहते हैं गांव वाले आपके बेटे इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए? वैज्ञानिक आपके बेटे ने रोशन कर दिया, गांव वाले तो यही कहते हैं। पूरे जिले में उनसे 8 दिन भाई है, ऑस्ट्रेलिया गए था उसी रात को गई, उनने बताई क्या रहता फोन उनका। हाँ तो अबे ना आओ ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए तब ते ना आओ, वो जो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहीं करो कि हम जा रहे हैं। पेशे से किसान धर्मेंद्र यादव के पिता को अपने बेटे पर नाज है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हरिकोटा से हुई थी जिसकी मॉनिटरिंग बेंगलुरु से की जा रही है। इसमें धर्मेंद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक की भूमिका में निगरानी कर रहे हैं। चंद्रयान को लेकर पूरा देश भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस कर रहा है तो धर्मेंद्र की भूमिका से गाँव में उत्साह का माहौल बना हुआ है। गाँव वालों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है गाँव वालों को कि हमारा बेटा आज गांव में खेलने वाला बच्चा, मिट्टी में खेलने वाला किसान का बेटा वो आज वहां तक पहुंच गया है। तो गांव वालों को बहुत इस बात पर गर्व है, बहुत खुशी है और वो काम हो जाएगा तो गांव में बहुत खुशी का माहौल रहेगा, मिठाइयां भी बैठेंगी और उत्साह भी मनाए जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? भारत सरकार के लिए कहना का प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार हमारे बेटे के साथ में उन्होंने हाथ भी मिलाया था। धर्मेंद्र यादव की काबिलियत और उपलब्धियों ने उन्हें एक वरिष्ठ साइंटिस्ट बना दिया। इसके बाद देश के तमाम बड़े अंतरिक्ष मिशनों में उनकी अहम भूमिका रही। फिलहाल उनके हाथों में मिशन चंद्रयान 3 की अहम जिम्मेदारी है। इस पर देश और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की नजरें टिकी हुई है। अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं जब भारत एक इतिहास रचेगा।